टॉपिक अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले से करते आ रहे हैं। पीछे वीडियोस आपने देखे होंगे, सब बच्चों से यही है कि वो रेगुलर क्लास अटेंड करें ताकि आपको चैप्टर समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं। नाइन्थ क्लास के बच्चों थोड़ा सा यूं हो सकता है कि भाई अपन किस तरह से अभी तो एग्जाम हो रहे नहीं है, वो अधूरे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कोई भी चीज होती ऐसा नहीं है कि अपन उसके पीछे रुक जाए, रुकना नहीं चाहिए, आगे चलना है ना। एग्जाम होंगे, हो जाएंगे, साइंस है, मैथ्स है, तो वो आपके एट वाले भी वैसे ही काम आने, नाइन्थ में भी काम आने वाले हैं, तो रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे बेटा, ताकि आपको उन क्लासेस के अंदर जो हो रहा है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका भी नॉलेज आपको मिले। तो सब बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, ताकि आपको कुछ ये समझ में आए। तो अपन एक चैप्टर अपना दूसरा चल रहा था पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें ही अपन कर रहे हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन आज। तो पीछे अपन ने पढ़ा था कि अपने पास तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, जो आपका क्लियरली हो चुका था विद एग्जांपल्स अपन समझा चुके थे, लेकिन अब अपन समझेंगे आज उन्हीं पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वैसे तो अपन पिछली क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़कर आते हैं, तो अपने को थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक। फिर भी आज मैं फिर भी आपको बेसिक से ही बताऊंगी कि भौतिक मतलब क्या और रासायनिक मतलब क्या। तो भौतिक परिवर्तन की जब भी आप बात करें ना, तो हमेशा ध्यान रखें, जनरली भौतिक परिवर्तन अपन अपने घर में भी देखते हैं, है ना। अपने घर में सबके फ्रिज होता है ना, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फ्रिज में बर्फ जमाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ एक बार तो अपनी अवस्था में बदल जाता है, दूसरी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, लेकिन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ सकता है ना। तो ऐसे परिवर्तन हमेशा क्या कहलाते हैं बेटा, भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी है ना, आप सब देखते ही हैं, अभी तो गर्मी आ गई है, तो वैसे भी तो पानी को जब आपने फ्रिज में रखा तो वो क्या हो गया, पानी द्रव था, आपकी द्रव अवस्था में था, और ये क्या हो गया, पानी क्या हो गया, बर्फ में बदल गया, है ना, बर्फ में। यानी बर्फ कैसी होती है, ठोस, तो अवस्था परिवर्तन हो गया। लेकिन बर्फ को आप थोड़ी देर वापस रखो, वापस किस में बदल जाता है, द्रव में। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अवस्था परिवर्तन होने के बाद भी पुनः मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब आप सोचेंगे परिभाषा में कैसे लिखेंगे दीदी, आपने तो ये समझा दिया, परिभाषा में भी लिख सकते हैं। कैसे? वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते, अर्थात वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान लेकिन भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगला है रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे सब बहने। अगला परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, हम अपने घर में रोज देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे घर में सब लोग दही रखते है ना, सब रखते है ना, तो दही कैसे जमाते हैं ना, दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल करके अपन अलग से रख देते हैं। अब ये दही क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? कोई भी पदार्थ जब उसकी अवस्था बदलती है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकते हैं। ध्यान करेंगे, मूल अवस्था में नहीं आ सकते हैं। दूध से दही तो बनता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो ये एक कैसा परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन। कागज को देखा है, कागज को फाड़ो,
फाड़ करके वापस अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सेलोटेप से जोड़ सकते हैं। तो वो तो क्या है उसके रासायनिक परिवर्तन, कागज को जलाओ वापस कागज ला सकते हैं नहीं, कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लाया जा सके भौतिक, नहीं लाया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये है आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अब आगे चलते हैं, ये जो परिवर्तन है इनका कुछ अवस्थाओं पर प्रभाव भी पड़ता है, जैसे जो अपने पदार्थ की अवस्थाएं हैं उन पर ताप और दाब का प्रभाव, अवस्था पर ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव ताप और दाब का प्रभाव। आप ताप की बात करें तो ताप के अंदर कई सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। पॉइंट्स मतलब क्या, जैसे आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने क्या लिया, एक ठोस पदार्थ डाल दिया, इसको यूं दिखा देते हैं, ठोस पदार्थ डाल दिया ठोस पदार्थ डाल दिया, एक बीकर लिया और उसमें द्रव पदार्थ डाल दिया, द्रव पदार्थ डाल, ये तो है ठोस और ये है क्या बेटा द्रव, डाल दिया। जब किसी भी पदार्थ में, जो कोई बीकर में ठोस पदार्थ और उसको अपन गर्म करते हैं, हीट करना शुरू करो, करना शुरू कर दो, हीट करना शुरू करेंगे आप उसे उष्मा देंगे तो धीरे धीरे पिघलना शुरू, यानी कि जब भी कोई पदार्थ या ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर, किस पर, निश्चित ताप पर पिघलना शुरू करता है, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करता है तो वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ को जब निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित बिंदु पर पिघलना शुरू हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलें तो जब कोई भी द्रव है उस द्रव को भी आप जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो भी एक निश्चित ताप पर उबलना शुरू कर देगा, क्या करना शुरू करेगा बेटा, उबलना शुरू कर देगा। जब उबलना शुरू कर देते हैं तो वह ताप, उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथनांक कहा जाता है। किसी भी पदार्थ जो द्रव अवस्था में है वो निश्चित ताप पर जब उबलना शुरू करता है तो वह ताप उस पदार्थ का या द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब इस गलनांक और क्वथनांक में एक शब्द दिया बेटा, एंथैल्पी, क्या दिया गया है, एंथैल्पी, एंथैल्पी गुप्त ऊष्मा भी बोला गया है, गुप्त ऊष्मा बोला गया है। अब एंथैल्पी बोले या गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जो ऊष्मा आप इनको दे रहे हैं या फिर यूं कहें कोई भी ठोस पदार्थ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा जो उसको पिघलने के लिए आवश्यक हो क्या कहलाती है, एंथैल्पी या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वही किसी भी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है वह ऊष्मा उसकी वाष्पन की एंथैल्पी या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वापस सुनेंगे एक बार ध्यान से कि कोई भी ठोस पदार्थ को जब पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस ठोस पदार्थ की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी। क्वथनांक में बात करें, कोई भी द्रव पदार्थ जब वाष्प में बदलता है तो उसको आवश्यक जितनी ऊष्मा होती है वह उसकी वाष्पन की ऊष्मा
या फिर वाचमन की अंत लिपि कहलाती है। तो ये थी आपकी अवस्था के ऊपर ताप का प्रभाव। अब अपन चलेंगे बेटा अगला टॉपिक, दाब का प्रभाव। कौन सा प्रभाव? दाब का प्रभाव किसके ऊपर? वही अपने ठोस और द्रव के ऊपर, है ना, ठोस और द्रव। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव? कोई भी पदार्थ है वो गैस अवस्था में, चलो ऐसे लिखा देते हैं, वो एक बीकर में गैस ले लिए, अब इसके ऊपर आप अत्यधिक क्या डाल रहे हैं बेटा? दाब डाल रहे हैं। दाब डालेंगे तो ये कण दूर दूर थे, अब ये कण क्या आ जाएंगे? पास पास में आ जाएंगे। जब पास पास में आ जाएंगे तो गैस जो है वो किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। अर्थात कोई भी पदार्थ जिसको गैस अवस्था में है अत्यधिक दाब दिया जाता है तो अवस्था बदलकर किस में बदल जाता है? वो द्रव में बदल जाता है। अर्थात दाब की वजह से किस में अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन एक अपवाद है कि द्रव कभी भी अत्यधिक दाब डालने पर भी ठोस में बदलता नहीं है, क्योंकि द्रवों की संपीड्यता कम होती है। क्या? द्रवों की संपीड्यता कम होती है, इसलिए द्रवों को दाब डालने पर भी ठोस में बदलना संभव नहीं है। ये था आपका एक जनरल सा कॉन्सेप्ट जो आज आप पढ़ेंगे, आराम से इसको रीड करेंगे। मैंने आपको आज भौतिक व रासायनिक परिवर्तन तथा अवस्थाओं पर ताप और दाब का प्रभाव ये समझाया है। आज आप आराम से इनको रीड करेंगे, नोट्स में भी लिखेंगे। जब तक बेटा किस चीज समझी हुई चीज को लिखते नहीं है वो याद नहीं रहता है, इसलिए सभी बच्चे नोट्स में ये सब लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।